मैं इनको लिखित देता हूँ 72 फोल्ड निकलेगा। अगर पैसेंजर का रुचा 4 पैसेंजर 5 पैसेंजर एक्स्ट्रा रहेंगे ना तो भी बोलेगा समझेगा। वाले बस स्टैंड मत जाना, इधर वाले बस स्टैंड है ना, और यहीं से ही आपको सारी छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो भी है सब। बट इस बार देख के ना बहुत अच्छा लगा, ये देखो बिल्कुल साफ सुथरी है। और ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर, ये जस्ट जो पुराना मिल जाएंगे यहाँ पे, और रुद्राक्ष ना यहाँ पे। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। और आज का मौसम ना खुल गया है, बढ़िया धूप आ रही है ये देखो। बट ये वाले जो माउंटेन्स है ना स्नो के साथ बड़े मस्त लग रहे हैं, जब इनमें सनलाइट पड़ती है ना तो एकदम वाइट, क्लियर वाइट दिखते हैं। सो दर्शन तो मैंने कल 3 बार कर लिए थे, और अभी हम बद्रीनाथ से जाएंगे देहरादून साइड। और अभी मैं वापस से एक बार मंदिर जा रहा हूँ थोड़ा सा मथा देख के, और यहाँ से फिर लेंगे बस और निकलेंगे फिर देहरादून। उससे पहले मैं ना थोड़ा सा मार्केट को भी एक्सप्लोर करूँगा, और मार्केट में आपको क्या क्या मिल जाएगा वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और एक चीज़ है, लंगर वंगर लगे हुए हैं तो लंगर वंगर देख लेना और खाते रहना। चलिए थोड़ी सी रूम्स वगैरह की बात कर लेते हैं। तो रूम्स वगैरह यार आपको ऐसे मिल तो जाएंगे यहाँ पे, और अबाउट कॉस्ट क्या करने वाले हैं तो वो कॉस्ट करेंगे कुछ, डिपेंड करता है आप कितने बंदे हैं, तो जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना आपको कम पड़ेगा। और आपको वैसे ना रूम्स यहाँ पे 2500-3000-5000-6000 रुपये के मिलेंगे। और सस्ता ऑप्शन है आश्रम, तो आश्रम यहाँ पे मैंने देखे बहुत सारे आश्रम हैं, तो आप आश्रम आपके पास एक चीपेस्ट ऑप्शन है कि आप स्टे कर सकते हैं। और काफ़ी सारे आश्रम हैं, तो एक दो आश्रम में मत घूमना, काफ़ी सारे ऑप्शन आश्रम है तो आश्रम में घूम लेना। और यहाँ देखो लंगर हो रहा है, भंडारा हो रहा है, चलिए देखते हैं और खा लेते हैं भंडारा। चलिए जाते जाते वापस से एक बार दर्शन कर लेते हैं, और भीड़ देखोगे काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, वहाँ तक पूरी लाइन लगी हुई है। सामने मंदिर है और कुंड में भी बहुत भीड़ लगी हुई है। लास्ट ईयर आए थे ना तो अलकनंदा इतनी मतलब गंदगी मची हुई थी, बट इस बार देख के ना बहुत अच्छा लगा। ये देखो बिल्कुल साफ सुथरी है, और जो मास्टर प्लान है ना यार, मास्टर प्लान काफ़ी अच्छा बन रहा है यहाँ पे ना। एक ये जो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है रिवर साइड में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पूरा का पूरा एक कॉरिडोर बनेगा, यहाँ से आप मतलब वॉक करेंगे, यहाँ से जाएंगे, और ऐसी उधर वाली साइड भी बनने वाला है। तो वो मास्टर प्लान आप देखेंगे ना तो उस साइड पे उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग मस्त बना रहे हैं। यहाँ पे ना आपको शॉप्स मिल जाएंगे, कुछ भी आपको कपड़े लेने हो, शॉल्स वगैरह लेनी हो, स्टॉल्स वगैरह लेनी हो। और ये देखो पहाड़ी वाली टोपी जो ठंड में पहनते हैं ना लोग, ये देखो ये माला वगैरह मिल जाएंगी। ये रुद्राक्ष मिल जाएंगे यहाँ पे, और रुद्राक्ष ना यहाँ पे एकदम जो पेड़ से टूटे हुए होते हैं ना उस टाइप से भी मिल जाते हैं। ये हैं यहाँ पे मालाएं, और ये है मूर्ति वगैरह। ये देखिए ये है एक तरह काइंड ऑफ शरबत, बुरांस माल्टा अलग अलग फ्लेवर के हैं। तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, जैसे आप यहाँ से आएंगे ना यहाँ से ऊपर जाना है आपको, और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी मार्केट मिलेगी। रेस्टोरेंट वगैरह भी ना इस वाली रोड पे है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जो बद्रीनाथ धाम का जो सेकंड वाला पीछे वाला जो ब्रिज है ना, ब्रिज से आपको ऊपर आना है, और वहीं पर आपको प्रसाद वगैरह के भी शॉप्स मिल जाएंगी, और उसी से आपको ऊपर आके सीधा यहाँ जाना, आपको यहाँ पर बढ़िया मार्केट मिल जाएगी, रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पर बढ़िया। यहाँ पे ये ना कुछ ऐसे तालाब से बन रहे हैं, एक यहाँ पे और एक ना वहाँ पे भी है। और ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर, ये जस्ट जो पुराना बस अड्डा है ना, पुराना बस अड्डे से जब आप मंदिर के साथ जाएंगे ना तो ये आपको ऊपर एक बोर्ड दिखेगा, और मेन है ये।
यहाँ जस्ट इसके ही बगल में देख लेना, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ इतनी मेहनत के बाद ना यहाँ पुराने वाले बस अड्डे आए, जो कि श्री हंस उत्तराखंड आश्रम के सामने है ना, इंडियन ऑयल के पास में। पर यहाँ पे ना यार छोटी छोटी बसेस लगी हैं, तो यहाँ पे तो मना कर रहे हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश की बसेस नहीं हैं। अब देखना पड़ेगा, जो ऊपर रोड वाला है ना बस अड्डा, उस साइड में जाना पड़ेगा। बहुत थकान लग गई है, तबीयत भी ख़राब हो रही है अब तो। यहाँ पे भाई मत आना, आप भी ना नए वाले बस अड्डे में, जो ऊपर की साइड है रोड की साइड, उसी वाले में जाना। तो ना ये जो नया वाला बस स्टैंड बना है ना, ऊपर की साइड है, और यहीं से आपको देखो सारी गाड़ियाँ मिलेंगी हरिद्वार ऋषिकेश की। तो भाई पुराने वाले बस स्टैंड मत जाना, इधर वाले बस स्टैंड आना, और यहीं से ही आपको सारी छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो भी हैं सब मिल जाएंगी यहाँ से। चलो देखते हैं देहरादून की मिलती है या हरिद्वार की मिलती है, ऋषिकेश की कहाँ की मिलती है। जब आप हरिद्वार वाली साइड से आ रहे होंगे ना, रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं ना, और बहुत सारी जगह तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो गाड़ी बहुत स्लो चलाई और पूरी नींद आ गई थी रास्ते पर, सोते ही रहे। अभी कहीं रुकी है पीपल कोटी खाना खाने के लिए, खाना वाना खा लिया, अब निकलेंगे। वरना वहाँ से बद्रीनाथ से जब आपको हरिद्वार वाली साइड जा रहे होंगे ना, बहुत धीरे धीरे चलने वाली है, बहुत धीरे धीरे गाड़ी, क्योंकि ये रास्ते इतने ज़्यादा बैंड है ना, टेढ़े मेढ़े, तो बहुत धीरे धीरे स्पीड चलेगी। चलिए खा भी लेते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं, नींद आ रही है भाई रास्ते में पूरी। भाई बस रुक रुक के चल रही है, पता नहीं क्या आरटीओ खड़ा है आगे, और हमारी बस में ना 3 या 4 सवारी एक्स्ट्रा हैं, तो देख रहे हो सवारी सारी के सारी ना ऐसी खड़ी करके बैठ गए हैं। अब आरटीओ का वेट कर रहे हैं, आरटीओ हटेगा या क्या सीन है पता नहीं, बट हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू में। और पर ब्यूटी है नज़ारों के साथ, मज़े तो ले रहे हैं, बट फालतू में ना यार टाइम वेस्ट हो रहा है। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँचेंगे और ऋषिकेश से फिर देहरादून जाना है, ऋषिकेश से ना फिर देहरादून के लिए लेट बस मिलती नहीं है, तो इनका क्या है, ये तो पहुँच जाएंगे, लेट पहुँचेंगे 11 बजे 12 बजे, बट हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखो बात क्या है ना, इनका पसेंजर का लोचा नहीं है, ये भले कैसा बोलते हैं, मैं इनको लिखित देता हूँ कि 72 फोल्ड निकलेगा। अगर पैसेंजर का लोचा, अगर 4 पैसेंजर 5 पैसेंजर एक्स्ट्रा रहेंगे ना, तो भी बोलेगा समझेगा कि आदमी जा रहे हैं, पैसा वाले हैं, चले जाएंगे। 5 पैसेंजर नहीं बोलते हैं, बस हमारे पास भी है। बद्रीनाथ से जो हरिद्वार का किराया है ना, वो है 620 रुपये, और मैं भी पहुंच चुका हूं देहरादून। तो यही था यार इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब सोते हैं यार, घर जाके नींद में है ऑलरेडी। बाय।